नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ब्लैक एंड डेकर के 2300 वाट के 4 स्लाइस इस टोस्टर का। दोस्तों, अगर आप आज अमेजोन पे टोस्टर्स ढूंढने जाओ तो बहुत से ब्रांड के 4 स्लाइस टोस्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर इसमें कोई रेप्यूटेबल और ट्रस्टेड ब्रांड हमें ढूंढनी है तो ब्लैक एंड डेकर ये नाम जरूर ऊपर आता है। तो दोस्तों, चलिए अब ये देखते हैं कि ब्लैक एंड डेकर का ये 4 स्लाइस टोस्टर अपने ब्रांड रेपुटेशन की तरह ही परफॉर्म करता है या नहीं। तो अगर आप इसका बॉक्स देखें तो काफ़ी सिंपल बॉक्स है, तो भले ही ये कॉस्टली है, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आपको इस बॉक्स पे हाइलाइटेड दिखेगी वो है 2 ईयर्स ऑफ वारंटी। जनरली बाकी सारे मिलने वाले टोस्टर्स ये 1 साल की ही वारंटी दे पाते हैं। मैं इस पर्टिकुलर टोस्टर की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर आपके सहूलियत के लिए डाल दूंगा। तो चलिए अब हम बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं अंदर किस प्रकार से हमें हमारा टोस्टर मिलता है। तो जैसे ही हम बॉक्स खोले, यहाँ पे इसका मैनुअल मिल रहा है। इंडियन प्लग है जो 16 एम्पेयर का प्लग है, तो हमें बड़ी इंडियन प्लग पिन भी इसके साथ मिलती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाई पावर अप्लायंसेस हम अगर दूसरे कंट्रीज के प्लग्स के साथ चलाएं तो ये हमारे लिए घातक हो सकता है। अगर मैं इसे बॉक्स में से निकालूं तो ये हमारा टोस्टर है। और बस बॉक्स में कुछ नहीं है, एज सच इसका कुछ खास अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि सिर्फ ये एक टोस्टर है। तो इसकी यहाँ पे आप केबल लेंथ देखें तो ये देखो नीचे केबल मैनेजमेंट के लिए जगह दी है। आप चाहे तो यहाँ से केबल निकाल सकते हैं और लगभग आधे मीटर की इसके साथ हमें केबल मिलती है। और आप चाहे तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से इस केबल को इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप इसकी बॉडी देखें तो ये पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील है। आगे उन्होंने मैट ब्लैक फिनिश दिया है, जबकि पूरे बाकी साइड में उन्होंने गन मेटल फिनिश ही इसको दिया हुआ है। उसी के साथ ना सिर्फ ये बॉडी स्टेनलेस स्टील की है, लेकिन इसे इंसुलेट भी किया गया है। अगर आप इसकी ब्रेड टोस्ट करने के लिए कैविटीज देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो ना सिर्फ बड़े लेकिन मोटे साइज के ब्रेड्स भी ये आसानी से टोस्ट कर सकता है। अगर आप इसके फ्रंट साइड पर देखें तो काफ़ी सिंपल इंटरफेस है। दोनों साइड पे ये देखिए डायल्स दी है जो 1 से लेके 6 तक हमारे ब्रेड को कितना ज़्यादा टोस्ट करना है वो एडजस्ट करती है। ये डायल से इस साइड के 2 टोस्ट का हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं और ये डायल से हम इस साइड के 2 टोस्ट का, तो इंडिविजुअली हम 2-2 टोस्ट के टोस्टिंग टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो कैंसिल बटन है, आप कभी भी कैंसिल बटन दबाए आपके ब्रेड पॉपअप हो जाएंगे, वो हम आगे ज़रूर देखेंगे। रीहीट है, आपके ब्रेड कुछ कारण से ठंडे हुए हैं और आपको टोस्ट को वापस गर्म करना है तो उसके लिए एक फंक्शन दिया है, और डिफ्रॉस्टिंग फंक्शन भी है। तो यहाँ पे दोनों साइड के लिए वही फंक्शंस रिपीट किए गए हैं। ये देखिए इस तरह से इसका स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म है, और अब टोस्टर चालू नहीं है इसलिए ये लॉक नहीं हो रहे। जैसे हम इसे पावर ऑन करेंगे इसकी स्प्रिंग्स लॉक हो जाएंगे। ये जो ग्रे कलर की ये लाइनिंग जा रही है ये इसकी हीटिंग कॉइल है, तो काफ़ी इवनली इसकी हीटिंग कॉइल्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर हम इसकी पिछली साइड देखें तो ये देखिए इस तरह से हमें ट्रे दिए गए हैं, तो हमारे जो ब्रेड क्रम्स है वो इस ट्रे में गिरते हैं और हम आसानी से बाद में ये ब्रेड क्रम्स बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी वारंटी की भी डिटेल्स देखें तो ना सिर्फ इसको 2 साल की वारंटी है, लेकिन ये 2 सालों की वारंटी हमें ऑन साइट दी जाएगी। तो चलिए अब हम इसमें ब्रेड डालते हैं और इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। अब मैं एक साइड का टेम्परेचर को पूरे 6 पे सेट करूंगा ताकि हमें इसके हाईएस्ट टोस्टिंग पावर समझे, और यहाँ पे एक साइड पे मैं इसके टोस्टिंग पावर को सिर्फ 1 पे रखूंगा ताकि हमें इसकी मिनिमम टोस्टिंग पावर समझे। और आप आपके प्रेफरेंस अनुसार इसे एडजस्ट तो कर ही सकते हैं। तो ये देखिए ये लॉक हो जाएगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका हीटिंग एलिमेंट देखिए इमीडिएटली चालू हो गया और आप इमीडिएटली हीट को फील कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इंस्टेंटली ही गर्म हो जाता है। तो इससे देख के मुझे ये तो ज़रूर लग रहा है इसके टोस्ट करने का टाइम भी काफ़ी क्विक होने वाला है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कैंसिल बटन के इर्द गिर्द जो रिंग्स है वो इल्यूमिनेट हो गई है, ये दिखा रही है कि हमारा टोस्टर अब चालू है। अगर मैं किसी भी समय यहाँ पे कैंसिल का बटन दबाऊँ तो हमारे टोस्ट ऊपर आ जाते हैं, ये इजेक्ट हो जाता है। अगर आप डिफ्रॉस्ट फंक्शन को भी क्लिक करें तो उसके बाजू की
जो रिंग है वो इल्यूमिनेट हो जाती है, और अगर आप रीहीट दबाएं तो रीहीट की बाजू की भी रिंग इल्यूमिनेट हो जाती है। तो आप इसे ऑन करने के बाद रीहीट या डिफ्रॉस्ट, ये दोनों में से भी फंक्शंस चुन सकते हैं ये बटन दबाने के बाद। तो अब हमारा इस साइड का टोस्टर पॉप हो गया है, ये काफी लाइट टोस्टर है और इसका मॉइस्चर भी बहुत सारा अंदर ही है, तो ये बाहर से भले ही क्रिस्प है लेकिन ये बहुत ज्यादा ड्राई नहीं लगने वाला है, तो इसका फ्लेवर आपको इंटैक्ट मिलने वाला है। यहाँ पे मैंने खुद इसे मैन्युअली इजेक्ट किया है, तो ये स्टैंडर्ड ब्रेड साइज होने की वजह से अगर आप इसे 6 पे रखें तो ये अच्छे खासे काले हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब तक आपके पास फुल साइज ब्रेड नहीं है आप 6 का प्रयोग ना करें, लेकिन इससे यही समझता है कि इसकी जो टोस्टिंग की रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। जनरली आप 3-4 के रेंज में रखेंगे तो नॉर्मल साइज ब्रेड आपको काफ़ी क्रिस्प टोस्ट करके मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देख ही लिया कि इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, उसी के साथ इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। हमें लाइट टोस्टर से लेके एकदम डार्क टोस्टर तक या जले हुए ब्रेड तक सारी रेंज अवेलेबल है, तो आप चाहे उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपके ब्रेड की साइज बड़ी है उसी के साथ वो मोटे भी है तो आपको ज़्यादा टोस्टिंग पावर की ज़रूरत पड़ेगी और तब हमें ये काम में आने वाली है। इसका सिर्फ ये ऊपर का ही सरफेस गर्म हुआ है और यहाँ पे ये देखिए इंडिकेशन भी है, तो ये एक वेल बिल्ट, वेल इंजीनियर्ड और लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है और इसीलिए इसकी प्राइस थोड़ी प्रीमियम साइड पे है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।